goes till I get up. Time is barely on our side. Hello friends, कैसे हो? कैंचो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सैंडविच, वो पीनट बटर वाली सैंडविच बनाएंगे। तो हमने ले लिया है पीनट बटर, तो मैंने ली है वाइट ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो वाइट ब्रेड के ऊपर हम ये पीनट बटर वो अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेंगे। तो हमने लगा दिया है पीनट बटर, तो उसके ऊपर लगा लेंगे चीज़। मैंने यहाँ पर स्लाइस इस्तेमाल की, आप कोई भी चीज़ क्यूब वाली भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने डाल दिया है ओरेगानो, चिली फ्लेक्स एंड पेरी पेरी मसाला। आप बिना स्लाइस चीज़ डाले बिना भी ऐसे ही पीनट बटर सिर्फ दे सकते हो, उसमें भी बहुत ही अच्छी लगती है ये सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है, उसके ऊपर लगा दिया है मैंने ब्रेड सेकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर लगा लिया है बटर, उसको क्रंची होने तक, अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक सेक लेंगे। तो ये पीनट बटर वाली सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ज़रूर से ट्राई करें। बच्चों को देने के लिए लंच बॉक्स में बहुत ही हेल्दी है, पीनट बटर बहुत हेल्दी होता है खाने में। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दे। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने यहाँ पर वाइट ली है, उसको क्रंची हो जाए तब तक सेक ले, ब्राउन हो जाए तब तक। तो हमारा ये पीनट बटर सैंडविच रेडी है। मैं आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ किस तरीके से एकदम टेस्टी वाली बनी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि कैसी बनती है, तो एकदम अच्छी बनती है। तो आप यहाँ पर मैं कर लूँगी उसका नाश्ता का लंच बॉक्स रेडी। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स काट लिए, मौसम्बी मैं रख रही हूँ काट कर, यहाँ पर रख दिया टोमेटो केचप और ये पीनट बटर सैंडविच जो ये मैं रख दूँगी। और मैं थोड़े से ले लूँगी बादाम, क्योंकि खाने में बहुत ही बादाम हेल्दी होती है, घर पर वो खाता नहीं है। तो मैं इस तरीके से लंच बॉक्स में डालकर उसको ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा चला गया है स्कूल, तो आज मुझे भी बहुत ही मन हो गया कि मैं भी मेरे लिए चीज़ सैंडविच बनाऊँ। तो मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ मेरे लिए चीज़ सैंडविच। मेरी चाय बन चुकी है, चाय बहुत ही गर्म है इसलिए मैंने मग में डालकर थोड़ी सी ठंडी हो जाए इसलिए रखी है, तब तक मैं बना लेती हूँ मैं यहाँ पर मेरी चीज़ सैंडविच। आज मेरा बड़ा मन कर गया कि मुझे भी खानी है, तो मैंने मेरे लिए थोड़ी सी सैंडविच बना दी। तो इसके ऊपर मैं लगा लूँगी बटर, बटर लगाकर उन्हें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैं उसे सेक लूँगी, थोड़ी सी क्रंची हो जाए, मुझे थोड़ी क्रंची वाली ही पसंद है। तो दोनों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैं उसे सेक लूँगी, फिर कर लेंगे चाय नाश्ता। तो मिलते हैं चाय नाश्ते के बाद। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what. तैयार है चीज़ सैंडविच, तो कर लेते हैं चाय नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी वाली बनती है कोल्ड कॉफ़ी, तो हम बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो चलते हैं किचन में। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, यहाँ पर ले लूँगी मैं गुनगुना पानी में एक चम्मच। यहाँ पर कॉफ़ी घोल कर रख देंगे और थोड़ी सी लेंगे हम डेरी मिल्क और थोड़े से लेंगे आइस के टुकड़े और ले लेंगे आपको जितनी कॉफ़ी बनाने उतना हिसाब से दूध ले ले। तो मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है, तो हम मिक्सर में दूध डाल देंगे और डाल देंगे ये चॉकलेट, बहुत टेस्टी लगती है चॉकलेट वाली। और जो ये गुनगुना पानी में हमने कॉफ़ी भिगो कर रखी थी वो भी हम डाल देंगे। अब उसको कर लेंगे ग्राइंड, यहाँ पर डाल देंगे हम उसके अंदर चीनी, अच्छे से कर देंगे मिक्स। एकदम टेस्टी वाली कोल्ड कॉफ़ी लगती है, आप ज़रूर घर पर बनाएं। तो हमारी होममेड कॉफ़ी एकदम रेडी है, तो आप ज़रूर ज़रूर से ट्राई करें, एकदम टेस्टी लगती है। और मैं यहाँ पर ले लूँगी कॉफ़ी और उसको गार्निशिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी से डाल देंगे ऊपर से कॉफ़ी। तो हो चुकी है कोल्ड कॉफ़ी रेडी, एकदम टेस्टी वाली, आप ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी लगती है चॉकलेट वाली कोल्ड कॉफ़ी। मेरे बेटे को भी दे दिया है, थोड़ा मैं भी पी लेती हूँ, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही कॉफी एंड चॉकलेट वाला फ्लेवर बहुत ही। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।